नमस्कार, सुराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हमारे देश में 2,25,000 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट तब तक पाए गए हैं जो लोग संक्रमित हैं। मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं। इसका होम्योपैथी के जरिए भी इलाज की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि होम्योपैथी में कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसे बढ़ाया जा सकता है। आज हमारे खास कार्यक्रम सुराज सेहत में जानने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी से कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। और इस आज खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से डिपार्टमेंट ऑफ एफएमटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजू जैन। डॉक्टर राजू, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। होम्योपैथी से डॉक्टर, कोविड-19 को कैसे समझा जा सकता है? होम्योपैथी के दृष्टिकोण से कोविड-19 को किस प्रकार समझें? कोविड-19, जैसे आपने बोला, कोविड-19 ये तो बस एक डिजीज का नाम है, है ना। डिजीज इज कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। हमेशा डिजीज में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कोरोना वायरस है। अगर अपन होम्योपैथी के दृष्टिकोण की बात करें तो होम्योपैथी जो जिस सिद्धांत पे चलती है वो हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द मेडिसिन। हम जब भी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो पूरे सिम्टम्स जो पेशेंट्स में आए, पेशेंट की जैसे सर्दी है, जुकाम है, मतलब पूरे सिम्टम्स उसके जो हैं उनको कंपाइल करके, जिसको हम टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं, उन सबके आधार पर ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। जैसा एक एग्जांपल दूं मैं, तो एग्जांपल के तौर पर हमारे क्लिनिक में मान लीजिए आप चार मरीज आए सर्दी जुकाम के, तो उन चारों मरीजों की दवा अलग अलग ही होगी। ऐसा नहीं कि हम चारों को एक नॉर्मल सी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊं जी, मैं यूपिटोरियम पर्फ चारों को दे दें या आर्सेनिकम एल्बम चारों को दे दें या कोई भी सो कॉल्ड बेलाडोना चारों को दे दें, ऐसा नहीं है। अगर चार मरीज हैं तो उन चारों की दवा अलग अलग ही होगी, उनके लक्षणों के आधार पर ही दवा का चयन किया जाता है। कोरोना महामारी में होम्योपैथी कैसे रोल अदा कर सकती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन करना सबसे पहले जरूरी है। प्रिवेंशन, हम उससे बचाव करना है, बचाव के साथ ही हम उससे बच सकते हैं। अब आता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे पहले तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। अगर हम बचाव और रोकथाम की बात करते हैं तो होम्योपैथी एक जीवनी शक्ति के सिद्धांत पे काम करती है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स हमारा मानना है होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार कि जब भी वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तभी डिजीज प्रोड्यूस होती है। वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट के कारण ही डिजीज प्रोड्यूस होती है। जब हमारी जीवनी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी तभी कोई बीमारी उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें स्वस्थ रहने की कोशिश करना चाहिए, कि हमारा वाइटल फोर्स बिल्कुल अरेंज रहे, डिरेंजमेंट की ओर ना जाए। हेल्थ, जैसे अपन बोलते हैं हेल्थ, हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। इन तीनों चीजों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना होना चाहिए। हेल्थ, माइंड हमारा हेल्थी रहेगा, हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव अप्रोच होगी हमारी, पॉजिटिव विचार होंगे हमारे दिमाग में, तो शायद हम काफी हद तक इस चीज से बच सकते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना है, उससे बचने की कोशिश करना है, उससे डरना नहीं है हमें। जो भी दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो अपना मस्तिष्क जब स्वस्थ रखेंगे तो कोरोना को हराया जा सकता है। स्क्रीन पर नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जो दर्शक हैं वो कॉल करके डॉक्टर से सुझाव ले सकते हैं। किसी भी संबंध में, कोरोना के संबंध में अगर जानकारी चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। डॉक्टर राजी, क्या शासन की ओर से कोविड-19 के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि काफी विशेषज्ञों द्वारा शोध के उपरांत आर्सेनिकम एल्बम 30 बांटी जा रही है, जो कि सभी जिला स्तर पे,
हर जगह होम्योपैथिक की अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। दादा उबाल एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दादा साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर से। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से दादा उबाले बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ऐसा है कि कोरोना वायरस के विषाणु अपने शरीर के अंदर किस तरह से अटैक करते हैं, इसके बारे में बताइए जी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। कोरोना वायरस के विषाणु जो होते हैं वो उनके जाने के दो ही, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करने वाला वायरस है, तो इसके विषाणु हमारे मुंह के जरिए, नाक के जरिए ही हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं। नाक के जरिए ये विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर आशी एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे इस दरमियान, होम्योपैथी के द्वारा कोरोना का किस प्रकार रोकथाम या नियंत्रण किया जा सकता है? बैलेंस डाइट में होम्योपैथी की इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन जो कि आर्सेनिकम एल्बम अभी मैंने चर्चा की वो लें, अपन बैलेंस डाइट लें, गुनगुना पानी पीते रहें, साइट्रस फ्रूट्स लें, आजकल अभी बहुत अच्छे है मौसमी फल आम आ रहा है जिसका पीएच काफी अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रूट्स का, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन है, नींबू जिसको हम बोलते हैं, संतरा है ना। घर से हम जब भी बाहर निकलें तो बिना मास्क के नहीं निकलें, है ना। किसी से भी बातचीत करते हैं अपन तो 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रहें, भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका हमें पूर्णतः पालन करना है। यानी कि जो लोग हैं गाइडलाइन का पालन करेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क लगा के जाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसी बीच दर्शक हमारे बीच जुड़ गए हैं, अपना सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। संजू जैन जुड़ गए हैं। सर मेरा सवाल ये, कोरोना से बचाव कैसे हो सकेगा? जी संजू जी, संजू पूछ रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचे हम। हम तमाम सारे एहतियात तो बरत रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वच्छता भी रख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोरोना के जो मरीज का ग्राफ है देश भर में बढ़ता जा रहा है, तो और क्या क्या एहतियात बरतें? देखिए मैंने भी जैसा थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमें बॉडी माइंड और सोल के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बना के रखना है। जैसे मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरी नींद लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, है ना, इस तरह के आप सभी, और इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन होम्योपैथिक मैंने बताई आपको वो ले सकते हैं आप, इस तरह से आप कोरोना से बचा जा सकता है। अति आवश्यक ना होने पर आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। एक और दर्शक है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना सवाल कीजिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं दमोह से बोल रही हूँ। हाँ जी, पूछ नहीं पा रहे, मैं उषा पुजारी दमोह से बोल रही हूँ जी। उषा जी, मेरा बच्चा जाता है वहाँ से। हाँ जी, मेरा बच्चा दमोह कोचिंग जाता है, फिर वहाँ से आता है, तो कोरोना के चलते क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको? जी डॉक्टर बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन को आपको पूर्णतः पालन करना है। घर से बाहर जब बच्चा कोचिंग के लिए जाता है तो उसको समझाइए कि बेटा मेटेलिक कोई भी चीज होती है जैसे गेट, रेलिंग, इन सब के टच में जब भी आते हैं तो आप प्रॉपर हाथ का सैनिटाइजेशन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, दूर दूर रहिए सब बच्चों से, आपस में ज्यादा पास में आके बातचीत नहीं, घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना है, बैलेंस डाइट कर लेना है, योगा सिखाइए थोड़ा सा बच्चे को, योगा करें सुबह से जी, जो कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा। और जुड़ गए हैं वर्षा, वर्षा जी स्वागत है, सवाल कीजिए। मैं वर्षा बोल रही हूँ सागर से जी। मैं मुझे ये पूछना था कि अगर किसी से मुंह का स्वाद कड़वा है तो क्या वो क्या समझे कि कोरोना है कि ऐसे नॉर्मल है कुछ? बिल्कुल, मुंह का स्वाद कड़वा अकेले होने से हम नहीं मान सकते कि कोरोना है, है ना। इसके लिए आपको और भी सारे, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा प्रोटोकॉल के तहत 12-13 सिम्टम्स हैं, उन सबके लक्षण आने के बाद ही हम सोच सकते हैं, ये मौसम में बदलाव के कारण भी हो सकता है। आपके जो पास में चिकित्सक हो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लक्षण के बेसिस पे ही होम्योपैथिक दवाई का चयन होता है। जी एक सवाल पूछ सकते क्या जी?
एक सवाल और पूछ सकती हूँ? हाँ, तो ये अभी सुना है कि होम्योपैथी में ब्रायोनिया एल्बा आ रही है, ब्रायोनिया एल्बा, जी जी, तो ये क्या कोरोना के लिए दी जा रही है, तो क्या पहले से ले सकते हैं ये दवाई? जी, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी सिस्टम जो है वो पूर्णतः लक्षणों पे आधारित है। आपके जो लक्षण होंगे उसके आधार पर ही मेडिसिन दी गई है, और अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें सिर्फ आर्सेनिकम एल्बम 30 का ही प्रिस्क्रिप्शन हमको दिया गया है, जो कि इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन के रूप में कारगर है। एक और दर्शक इस बीच डॉक्टर जुड़ गई है, दिल्ली से है श्वेता। श्वेता, आप बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर राजी, मैं एक यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट में हूँ जी, और जैसे कि आपको पता है कि जुलाई से स्कूल रीओपन होने का एक है, okay. तो व्हाट ऑल प्रिकॉशंस कैन बी टेकन, और कितना मतलब बच्चों पे इफेक्टिव रहेगा, बच्चे क्या कर सकते हैं, और ये जो अभी डिसीजन लिया जा रहा है किस हद तक सही है, बच्चों के फेवर में? देखिए, डिसीजन पे तो अपन नहीं जा सकते क्योंकि ये तो भारत सरकार का निर्णय है और ये सर्वमान्य है, लेकिन हाँ, हम अपने एहतियात हम क्या बरत सकते हैं ये हम आपको थोड़ा सा सलाह दे सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा तो उसको समझाइए आप कि भाई आप मास्क लगा के निकलें, अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखें। खाने में बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं तो हमेशा बैलेंस डाइट ही लें, फ्रूट्स प्रॉपर दें बच्चों को। जब भी कोई बाहर से आता है बच्चा तो उसको प्रॉपरली नहाने का बोलिए, कपड़े बदलने का बोलिए, है ना। और जो स्कूल है आपका, तो आप स्कूल के लिए अगर जैसे पूछना चाहती हैं तो स्कूल में आप बच्चों को प्रॉपर गैप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, सैनिटाइजेशन करवाइए अपने स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं, टीचर्स हैं, उनको आप ऐसे एजुकेट करिए कि भाई बच्चों को बीच बीच में याद दिलाए कि आपको हाथ धोना है, आपको क्या करना है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, यू हैव टू और घर पे भी हम अपने बच्चों को सिखाएं कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, जब भी कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है। एक और मेरा अहम सवाल है डॉक्टर, जो सिम्टम्स है कोरोना को लेकर वो कई बार बदले बदले से दिखाई देते हैं, पहले सिम्टम्स कुछ और थे, हालांकि वो भी अभी भी वो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि खांसी आना और गला सूखना, गले में दर्द होना, छींक आना, बुखार आना, लेकिन कई बार देखने को मिलता है जो मरीज बढ़ रहे हैं उनमें सिम्टम्स कुछ अलग प्रकार के हैं, जैसे कि किसी को सुगंधी नहीं आती ना दुर्गंध आती है, इस तरह के भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये 12-13 सिम्टम्स का प्रोटोकॉल है जी। हो सकता है किसी मरीज में, जैसे अपन देखे देश के बाहर जाए तो देश के बाहर लोगों में पेट खराब होने की समस्या काफी आई, लेकिन हमारे देश में इंडिया में इम्यूनिटी पावर सबकी बहुत अच्छी है, मेंटेन करते हैं हम, योगा करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, जो इंडियन डाइट है इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी हेल्दी डाइट, जो हम जैसे खाने में हेल्दी लेते हैं, दैट इज दैट प्लेज अ रोल ऑफ एंटीबायोटिक, जीरा है, तो इंडियन फूड अपने आप में बहुत एनरिच्ड फूड है। एक जैन एक दर्शक जुड़ गए हैं, ममता जैन भोपाल से हैं। ममता जी बहुत स्वागत, सवाल कीजिए। जी ममता जी, आपको सुन पा रहे हैं? आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके सवाल पूछिए ममता जी। लगता तकनीकी खराबी के चलते ममता जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। लॉकडाउन अनलॉक 1 चल रहा है अभी, और इस दरमियान जो लोग अभी घर से बाहर निकलना भी शुरू कर दिए हैं, हम भी सड़कों पर देख रहे हैं किस तरह से, तब लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा रहता था पूरी सड़कों पर, लेकिन अब सड़कें भरी भरी, ट्रैफिक सड़कों पर काफी ज्यादा है, तो लोग काफी ज्यादा मात्रा में अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम को लेकर लोग दफ्तर भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो अब ऐसे दौर में लोग कैसे सावधानी बरतें? जी, इसमें तो मेरा कहना यही होगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है ना, भारत सरकार की जो गाइडलाइन आती है वो बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा शोध के बाद ये गाइडलाइन जारी होती है, तो उसमें जैसे उन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, इसका जो वायरस का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो 5 माइक्रोन बहुत छोटा है, तो उन्होंने बताया कि आप मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, इससे क्या होगा, सामने वाला खांसेगा छींकेगा तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक से दूसरे में फैलने के चांसेस बहुत कम है। एक दर्शक है सवाल पूछना चाहती है, आकांक्षा नागपुर से। आकांक्षा स्वागत है, सवाल कीजिए। जी मैं आकांक्षा जैन नागपुर से बोल रही हूँ।
और मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, क्योंकि दो तीन डॉक्टरों से बात की तो किसी ने कैम्फ्रा का बताया, किसी ने ब्रायोनिया का बताया तो, और किसी ने आर्सेनिक का, तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? जी आकांक्षा जी, इसके बारे में तो मैं यही बोलूंगी कि होम्योपैथी में अभी जैसा मैंने जिक्र किया कि पूरी तरह से सिम्टम बेसिस पर ही मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, लेकिन हमारी मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम जो कि भारत सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है कि इट इज अ गुड इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन, इसमें बेस्ट और वर्स्ट कुछ नहीं होता है। जो आपके सिम्टम्स हैं वातावरण के हिसाब से, जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, वी ट्रीट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के हिसाब से दवाएं देना चाहिए, डॉक्टर आप यही कह रही हैं। डॉक्टर साहब, जो मरीज ठीक हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर कोरोना वार्ड में, जो कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है उसे अस्पतालों में दाखिल कराया जाता है, जिसके बाद कोरोना वार्ड में उन्हें रखा जाता है, तो वहां पर मरीजों की दिनचर्या क्या रहती है, उन्हें क्या दवा दी जाती है जिसके चलते वो ठीक हो रहे हैं? हालांकि अभी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन बावजूद उसके रिकवरी रेट देश में काफी ज्यादा है, तो क्या दिनचर्या मरीजों की रहती है, डॉक्टर्स कौन सी दवाएं उन्हें दे रहे हैं, फिर आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे लगता है दर्शक भी इस सवाल में काफी दिलचस्पी रखते होंगे। इसके लिए हम वाइटामिन सी, क्योंकि मैं होम्योपैथी फील्ड से हूँ, एलोपैथी का मुझे उतना ज्यादा अनुभव नहीं है, विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं एलोपैथी की, होम्योपैथिक फील्ड से हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एज पर माय नॉलेज, विटामिन सी, विटामिन बी, योगा, बैलेंस डाइट, इन सब की तरह से ही लोगों को मैनेज किया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरोक्वीन, काफी सारा जो उनका प्रोटोकॉल है, दे आर फॉलोइंग इट। एक दर्शक है सागर से, अनुश्री जैन सवाल पूछना चाहते हैं। अनुश्री, बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। अनुश्री पूछ रही है क्या N95 मास्क से बचाव हो सकता है या सिंपल मास्क से भी सुरक्षा की जा सकती है? सिंपल मास्क से भी सुरक्षा, गमछा या जो रुमाल है, आप इससे भी सुरक्षा करें। द बेसिक रीजन फॉर वेयरिंग द मास्क इज ड्रॉपलेट, टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डॉक्टर, एक सवाल और है, जब अनुश्री ने सवाल किया मास्क को लेकर, कई बार मास्क को लेकर कहा जाता है कि ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए, टू लेयर मास्क होना चाहिए, तो क्या जरूरी है ट्रिपल लेयर मास्क पहन के बाहर जाना, और अगर सिंगल लेयर मास्क है तो उसमें क्या क्या नुकसान है, और ट्रिपल लेयर में क्या फायदा है, किस तरह से अपन को सुरक्षित रखता है? बेसिक रीजन मैंने भी आपको जिक्र किया, बेसिक रीजन बिहाइंड वेयरिंग द मास्क इज जस्ट टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हमें उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है। हम मास्क चाहे तीन लेयर का पहने, या हमारे पास मास्क नहीं है तो कपड़ा, डबल लेयर कपड़ा से भी हम रुमाल बांध सकते हैं, इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। नारायण श्रीवास्तव है खुराई से, दर्शक सवाल करना चाहते हैं। नारायण जी स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये जो निमोनिया की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं कोरोना के पेशेंटों के लिए, तो क्या ये कारगर है इसको मिटाने में? निमोनिया की दवाई कितनी कारगर है कोरोना को ठीक करने में? देखिए, निमोनिया इज ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड कोरोना वायरस ऑल्सो एक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन ऐसा नहीं, हम इसको ऐसा नहीं सुलझा सकते हैं कि निमोनिया की दवाई ही कोरोना में इफेक्टिव है, इट्स नॉट गुड। एक सवाल मेरा डॉक्टर साहब है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जब से कोरोना आया है तब से लोग कर रहे हैं, और इससे पहले सैनिटाइजर, मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर लोग जानते होंगे, डॉक्टर्स हैं या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते होंगे, जानते होंगे, लेकिन अब कोरोना काल में सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, और कुछ रिसर्च ऐसे सामने आई है जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करते हो, ज्यादा तादाद में करते हो, तो उससे स्किन डिजीज होने की संभावना है, क्योंकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब सुविधा नहीं है पानी की या साबुन की, विशेष परिस्थितियों में, ऐसा कुछ है? सैनिटाइजर बार बार यूज करने से ड्राइनेस आती है हैंड्स में, तो इसके बाद हम मॉइस्चराइजर का यूज किया जा सकता है। यानी कि सैनिटाइजर से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है? नहीं, स्किन डिजीज की कोई संभावना? स्किन डिजीज हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है पर्सन की सस्पेक्टेबिलिटी पे, है ना। बहुत अधिक यूज करेंगे तो, कहा गया है कि बहुत अधिक यूज किसी भी चीज का हमेशा हानिकारक होता है, लेकिन उसके बाद बेसिकली जो अभी मैंने देखा कि ड्राइनेस आ रही है, तो आप उसके बाद पोस्ट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। एक दर्शक है सागर से, नीलम सवाल करना चाहती है। नीलम जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। थैंक यू सर।
कोरोना के सिम्टम्स जानना चाहती हूँ। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सर्दी है, जुखाम है, थकान लगना शरीर में, बुखार आना, ये सभी सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, ये सभी नॉर्मल सिम्टम्स जो कोरोना के लिए है वही। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि अक्सर होम्योपैथी को लेकर लोगों की एक अवधारणा है कि हम होम्योपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिले असर करता है, थोड़ा लेट से असर करता है, तो ऐसे में अगर कोरोना की दवाई होम्योपैथी के जरिए आती है, अगर ये डिले असर करेगी तो फिर कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि होम्योपैथी देर से असर करती है, ये तो बिल्कुल मिथ है। होम्योपैथी डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। मैं वही कह रहा था कि लोगों की अवधारणा है कि होम्योपैथी थोड़ा डिले असर करती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। जब तक के सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन परफेक्ट है तब तक आपका बिल्कुल मेडिसिन तुरंत एक्ट करेगी एंड इट विल गिव यू रिजल्ट। सुष्मिता जयश्री दर्शक हैं, सवाल करना चाहती हैं। सुष्मिता जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी हेलो। जी जी सुष्मिता जी सवाल कीजिए। मैं सुष्मिता बोल रही हूँ जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इस दौरान फल कौन कौन से खाना चाहिए? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे सुष्मिता जी। जी, इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, इस समय फल कौन कौन से खाना चाहिए? कौन कौन सी चीजें उन्हें खाना चाहिए खाने में, ये सुष्मिता पूछ रही हैं। जी, बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो लेना चाहिए हमको। प्रॉपर बैलेंस डाइट का इंटेक करना चाहिए। अभी मौसमी फल जैसे आम आ रहा है उसको आप लीजिए। कामिनी सिटी है, इंदौर से दर्शक हैं। कामिनी जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए डॉक्टर से। जी कामिनी जी, कामिनी सुन पा रही है हमें? आवाज आ रही है आपके पास? कामिनी जी सवाल कीजिए डॉक्टर से। कामिनी आप सुन पा रही हैं? तो तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल सोसाइटीज के अंदर लोगों के यहाँ स्विमिंग पूल बने हुए हैं, इस सवाल को लेके, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जो जुड़ गए हैं, सविता चौधरी इंदौर से जुड़ गई हैं। सविता स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी सविता, सुन रहे हैं आपको। जी जी नमस्ते मैडम। हेलो, मैं सविता चौधरी इंदौर से बात कर रही हूँ जी। मेरा ये सवाल था कि ये जो मतलब ऐसा कौन सा सरफेस है जिसमें कोरोना की डिटी ज्यादा टैलेंटेड बनी रहती है? कोरोना किस सरफेस पे? किस सरफेस? मेटालिक सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टे करता है कोरोना। मेटालिक सरफेस पे बहुत ज्यादा स्टे करता है। बहुत बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया सविता सवाल करने के लिए। जाते जाते अब दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना को लेके, कैसे वो और ज्यादा सुरक्षित रहें, कैसे सावधानी बरतें, कैसे कोरोना से जंग लड़ी जा सकती है, जाते जाते एक संदेश दर्शकों से? सबसे पहले मेरी अपील है, कोरोना से डरना नहीं है, उससे बचाव के सारे एहतियात बरतिए, वही आपको सफलता देगा। घर जैसे बोला जाता है ना कि स्टे होम स्टे सेफ, आप रह सकते हैं घर पे नो डाउट, बट अगर आपको काम करना, वर्किंग है, आप काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कोरोना से जितनी भी भारत सरकार की गाइडलाइन है आप उसका पूर्णतः पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है। तो घर पे रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन घर से अगर दर्शक आप जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, फेस कवर करके जाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, और हो सके तो एक दो बार घर पर नहा भी लें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तमाम सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए स्वराज सेहत में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।